हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस क्लास यानी कि 7 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को बताया था कि इम्प्लायबिलिटी स्किल की 4 फ्री में कोर्स चलाया जा रहा है और साथ में इसका फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है सक्सेस करियर एप्लीकेशन पे। फुल टेस्ट अपलोड कर दिया गया है तो आप लोग जरूर जाकर लगाइए, बिल्कुल फ्री है, 1 रुपये भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है ना। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ से। देखिए टोटल मैं यहाँ पे आप लोगों को कितने क्लास चलाने वाला हूँ, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। टोटल 16 से 17 क्लास में ये कवर हो जाएंगी ना। तो टोटल जो क्वेश्चन है 418 क्वेश्चन है कि जो आपके इम्प्लायबिलिटी स्किल में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप लोग सीरियल वाइज सभी वीडियो को देख जाइए, क्लास 7 है और सभी के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं आज का क्लास 7 का पहला क्वेश्चन। देखिए आपका जो एग्जाम है ना, एग्जाम में आपका इंग्लिश मीडियम से ही इम्प्लायबिलिटी स्किल का क्वेश्चन आएगा जो कि हिंदी इंग्लिश वाला पोर्शन है। तो इंग्लिश वाले सभी पोर्शन आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ पे हिंदी में आपको समझने के लिए दे दिया हूँ, बहुत से कैंडिडेट समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है योर असाइनमेंट इज नॉट लाइक दैट ऑफ द अदर इन योर क्लास, यानी कि जो आपको आपका जो असाइनमेंट है वो अन्य क्लास में जो लड़के हैं ना, बच्चे हैं, उनके जैसा आपका नहीं है। व्हाई आर नॉट यू स्टडिंग, आप क्यों नहीं पढ़ते हैं, इज एन एग्जाम्पल है आप, यह एक एग्जाम्पल है किसका। चलिए मैं यहाँ पेन का कलर कुछ दूसरा ले ले रहा हूँ। ये किसका एग्जाम्पल है, यानी कि आपका असाइनमेंट जो है वो अन्य लड़कों की तरह नहीं है, अन्य बच्चों की तरह नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल है, यहाँ पे बोला जा रहा है व्हाई आर नॉट यू स्टडी, आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, ये किसका एग्जाम्पल है। तो ये निगेटिव फीडबैक का है, किसका है, निगेटिव फीडबैक इससे आता है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव फीडबैक दे दिया जा रहा है, यानी कि आपका असाइनमेंट या तो बहुत ही गंदा होगा, ठीक है, इसलिए बोला जा रहा है व्हाई आर यू नॉट स्टडी, यहाँ पे निगेटिव फीडबैक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दूसरा दिया हुआ है गिविंग पॉजिटिव कमेंट्स फॉलो बाय सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव कमेंट दिया जाता है एंड क्लोजिंग विद पॉजिटिव कमेंट्स इज कॉल्ड, यानी कि पॉजिटिव कमेंट्स के साथ ही किसी फीडबैक को क्लोज करना, किसी सजेशन को इम्प्रूवमेंट के लिए, वो क्या है, सकारात्मक टिप्पणी देने के बाद सुधार के लिए सुझाव देना और सकारात्मक टिप्पणी के साथ समाप्त करना क्या कहलाता है, ठीक है। तो वहां पे होता है बर्गर फीडबैक टेक्निक, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बर्गर फीडबैक टेक्निक को करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर दिया हुआ है व्हेन यू प्रोवाइड फीडबैक, ठीक है, जब आप प्रोवाइड करते हैं यानी प्रदान करते हैं फीडबैक को, टेल द लिसनर, आप सुनने वालों को बताइए दैट यू आर प्रोवाइडिंग, आप प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं क्या, निगेटिव फीडबैक, कमेंट्स या कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे देखिए जब भी आप किसी को प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड का मतलब होता है देते हैं फीडबैक, टेल द लिसनर यानी कि सुनने वालों को बताइए डेट यू आर प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है रचनात्मक सुधार के लिए प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सुधार के लिए फीडबैक दे रहे हैं ना, रचनात्मक रूप से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है सेल्फ रिफ्लेक्शन इज प्रोसेस ऑफ, आत्मचिंतन किसकी प्रक्रिया है, कमेंटिंग का, लुकिंग इनवर्ड का या फीडबैक का या लुकिंग फॉरवर्ड का। तो जो सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है ना वो लुकिंग इनवर्ड यानी कि अंदर की देखरेख के लिए होता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फाइव नंबर, दिया है व्हेन वी टेक टाइम टू थिंक, यानी कि जब हम समय लेते हैं सोचने के लिए, ठीक है, एंड पे अटेंशन टू आवर थॉट, और अपने विचारों पे ध्यान देने के लिए, इमोशन पे ध्यान देने के लिए, डिसीजंस पे और बिहेवियर यानी कि आदत पे, इट इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। देखिए जब हम सोचने के लिए समय लेते हैं या ध्यान देने के लिए या इमोशन भावनाओं के लिए या डिसीजन या बिहेवियर आदत के लिए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन, ठीक है। जब हम अपने खुद के बारे में सोचते हैं, अपने विचारों के बारे में, अपने निर्णय के बारे में, अपने आदत के बारे में, तो वो होता है सेल्फ रिफ्लेक्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सिक्स नंबर, दिया हुआ है आइडेंटिफाइंग
थिंग दैट आर अंडर आवर कंट्रोल, ऐसी चीजों को पहचान करना जो हमारे कंट्रोल में है, ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, एंड दोज दैट आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, और उसके बारे में आइडेंटिफाई करना, ठीक है, पहचानना जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, हेल्प अस टू बी, हमें हेल्प करेगा किस लिए, मोर सेल्फ अवेयर अवेयर, यानी कि अधिक आत्म जागरूकता के लिए क्या करेगा, देखिए जो चीजें हम पहचान लेते हैं कि ये हमारे कंट्रोल में है और ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हमारा क्या करता है, वो अधिक जागरूक बना देता है चीजों को, ठीक है। जैसे आपको क्या करना चाहिए स्टूडेंट लाइफ में और क्या नहीं करना चाहिए, तो अगर आपके पास समझ है ना, तो आप बहुत आगे जाएंगे, वो अब आपका अधिक आत्म जागरूकता पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर दिया हुआ है, ऑफिशियल कन्वर्जेशन आर पार्ट ऑफ, ऑफिशियल कन्वर्जेशन यानी कि बातचीत, आधिकारिक यानी कि आधिकारिक रूप से बातचीत जो करते हैं वो किसका हिस्सा है, तो आप लोगों को मैं बताया था ना, ऑफिशियल कोई भी कन्वर्जन होगा या कोई भी कम्युनिकेशन होगा वो फॉर्मल में आएगा। मैं आप लोगों को, अगर आप पहले वीडियो से देख रहे होंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आप इसको आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कन्वर्जेशन बिटवीन फैमिली मेंबर एट होम आर कैजुअल कन्वर्जेशन बिटवीन इम्प्लॉयज, ठीक है, यानी कि जो बातचीत होती है फैमिली मेंबर के बीच घर पे, अथवा कैजुअल कन्वर्जेशन यानी कि कर्मचारियों के बीच जो बातचीत ऐसे होती है कैजुअल टाइप का, तो वो किस में आता है, तो वो फॉर्मल में नहीं आएगा, किस में आएगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आएगा, क्योंकि फैमिली के साथ आप किसी तरह से बात कर सकते हैं, अपने दोस्त से किसी तरीके से बात कर सकते हैं, लेकिन जब आप ऑफिस में होते हैं ना, तो सबका सुपीरियर का, जूनियर का, सीनियर का, सबका रिस्पेक्ट करना पड़ता है, तो वो फॉर्मल भी जाएगा, लेकिन यहाँ पे फैमिली मेंबर है या कैजुअल कन्वर्जेशन बिटवीन इम्प्लॉय के बीच है कैजुअल कन्वर्जेशन, तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है, कम्युनिकेशन, गॉसिप, क्लस्टर एंड प्रोबेबिलिटी आर एग्जांपल ऑफ, सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत, गॉसिप मतलब बहस, मतलब कि हम लोग हंसी जो मजाक करते हैं, ठीक है, वो क्लस्टर और प्रायिकता के उदाहरण है, तो ये सभी देखिए सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन हो गया, किसी से गॉसिप करना यानी कि किसी से हम लोग हंसी मजाक करते हैं, तो वो सभी किस में आएगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 10वां नंबर दिया है, यूजिंग वर्ड थ्रू स्पीकिंग, यानी कि यूजिंग वर्ड यानी कि वर्ड का प्रयोग करना थ्रू स्पीकिंग यानी कि बोलने के दौरान, आर राइटिंग टू शेयर इंफॉर्मेशन या लिखने के दौरान सूचनाओं को शेयर करने के लिए ना, सूचनाओं को साझा करने के लिए, थॉट्स को, विचारों को साझा करने के लिए, आइडिया को साझा करने के लिए, उसे क्या कहेंगे, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, यूजिंग वर्ड, सिर्फ वर्ड के माध्यम से लोगों को बोलना, राइट करने के लिए, यानी कोई देखिए मैं आप लोगों को बोलूं, आप लोग लिखिए आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप फटाफट लिखेंगे ना, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ ना, मौखिक रूप से बोल रहा हूँ, तो वो किस में आ जाएगा, वर्बल में आ जाएगा। तो यूजिंग वर्ड थ्रू स्पीकिंग आर राइटिंग टू शेयर इंफॉर्मेशन थॉट आर आइडिया इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुड वर्बल कम्युनिकेशन, अच्छा मौखिक संचार है, ठीक है, क्या है इसमें से, चार ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो देखिए अच्छा मौखिक संचार, गुड वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प टू कम्युनिकेट क्लियरली, यानी कि यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पष्ट रूप से बातचीत करना क्या कहलाता है, गुड वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मेरी बातें अगर आपको समझ में आ रहा है तो गुड वर्बल कम्युनिकेशन है, अगर मैं गूंगा बन जाऊं, समझाने का कुछ अजीब गजीब तरीका हो जाए, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, तो गुड वर्बल कम्युनिकेशन नहीं आएगा। ये सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन होता है ना, ये सिर्फ बोलकर कम्युनिकेशन होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 12 नंबर दिया है, व्हेन वी राइट लेटर, जब हम पत्र को लिखते हैं, ईमेल को लिखते हैं या मैसेज को लिखते हैं, ईटीसी वी आर यूजिंग, हम क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इम्प्लायबिलिटी का या वर्बल कम्युनिकेशन का, तो हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन मौखिक संवाद का यूज कर रहे होते हैं ना, जब हम लेटर लिखते हैं, तो ईमेल लिखते हैं या मैसेज, उस समय हम वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए, कम्युनिकेटिंग विदाउट वर्ड यानी कि बिना वर्ड के, बिना शब्दों के बातचीत करना, यूजिंग ओनली गेस्चर, आप लोगों को गेस्चर में बताया था कि क्या होता है, इशारे वाली चीजें, जैसे हम लोग अपना मुंह बना लेते हैं ना,
ठीक है, हम लोग बात नहीं करते उस समय, कोई शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन इशारे से बात कर लेना उसी को गेस्चर कहते हैं। बॉडी लैंग्वेज यानी कि हम लोग को बदल जाता है, हाथ हिलाना जैसे टाटा बाय बाय बोलते हैं उसके मतलब क्या होता है, फेशियल एक्सप्रेशन इसी को क्या बोलते हैं, गेस्चर कहते हैं। इटीसी इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, केवल इशारों, हाव भाव, चेहरे के हाव भाव आदि का प्रयोग करके शब्दों के बिना बातचीत करना क्या कहलाता है, फीडबैक या वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है, ठीक है, ये किस में आ जाएगा, वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ही एबिलिटी टू रिसीव एंड एक्यूरेटली इंटरप्रेट मैसेज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड, संचार प्रक्रिया में संदेशों को प्राप्त करने और उनकी सटीक व्याख्या करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है नॉन वर्बल, ठीक है, सॉरी उसे क्या कहला जाएगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, ही एबिलिटी टू रिसीव एक्यूरेटली इंटरप्रेट मैसेज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड लिसनिंग। देखिए, संचार प्रक्रिया में संदेशों को प्राप्त करना और उनकी सटीक व्याख्या करने की क्षमता होना लिसनिंग कहलाता है। जब तक आप लिसन नहीं करेंगे तब तक आप सटीक जवाब नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 15 नंबर दिया है, गुड लिसनिंग स्किल मैक्स वर्कर। देखिए, अच्छा लिसनिंग में सुनने वाला कौशल मैक वर्कर यानी कि वर्कर को बनाता है, अच्छा सुनने वाले कौशल कर्मचारी को क्या बनाता है, प्रोडक्टिव या इरिस्पॉन्सिबल, क्रेजी या इनइफिशियंट। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ना वो होगा प्रोडक्टिविटी, उसके अंदर उत्पादन करने की क्षमता अधिक आ जाएगी। अगर मान लीजिए आपके बॉस कुछ बोल रहे हैं, आप अच्छे से उस चीजों को सीखते हैं सुनकर, तो आपको क्या बनाता है, प्रोडक्टिविटी, उत्पादक वाले इंसान कौशल विकसित कर देता है आपके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 16 नंबर, लिसनिंग टू रेडियो यानी कि रेडियो को सुनना, टेलीविजन शो यानी कि टेलीविजन पे जो शो आ रहा है उसको सुनना, ईटीसी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, ये किसका उदाहरण है, तो ये पैसिव लिसनिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है, करेक्ट आंसर पैसिव लिसनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 17 नंबर दिया है, सॉरी यहाँ पे हम लोग जो पिछला आंसर दिए थे ना, ये वाला लिसनिंग, ठीक है, ये गलत है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया हूँ, देखिए इसको आप लोग सही कर लेंगे। लिसनिंग टू रेडियो यानी कि रेडियो को सुनना, टेलीविजन शो को सुनना, ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये नॉन वर्बल का एग्जाम्पल है, नॉन वर्बल, ठीक है, अनकहा संचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेइंग अटेंशन टू द स्पीकर यानी कि जो बोलने वाला है उस पे ध्यान देना, नॉट इंटरप्टिंग यानी कि बीच में न बोलना उसे, इंटरप्टिंग न करना उसे, बीच बीच में न टोकना, टेकिंग टाइम टू अंडरस्टैंड बिफोर आस्किंग क्वेश्चन यानी कि आपको प्रश्न पूछने से पहले आप उसको बातों को समझते हैं, समझने के लिए समय देते हैं, आर रिस्पॉन्डिंग इज यानी कि उसका जवाब देते हैं, तो ये सभी किस में आएगा, ठीक है, तो ये सभी किस में आएगा, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, पैसिव लिसनिंग, लेक्चरिंग या एक्टिव लिसनिंग, तो ये एक्टिव लिसनिंग के अंतर्गत आपका आएगा कि आपने अटेंशन दिया बोलने वाले पे, उसे बीच बीच में टोका नहीं, टेकिंग टाइम टू अंडरस्टैंड, आप उसको जो भी को क्वेश्चन पूछना है उसको समझे पहले फिर रिस्पॉन्ड किए, तो ये सभी एक्टिव लिसनिंग के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 18 नंबर, प्रॉपर कम्युनिकेशन विद कस्टमर कैन हेल्प टू यानी कि किसी कस्टमर के साथ प्रॉपर यानी कि उचित तरीके से बातचीत करना हेल्प टू, क्या हेल्प करेगा, क्या मदद कर सकता है, तो ये रिटेन कस्टमर यानी कि ग्राहक को बनाए रख सकता है। अगर आप प्रॉपर कम्युनिकेशन कस्टमर के साथ नहीं करेंगे, उसे संतुष्ट नहीं करेंगे, जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं या कोई भी कस्टमर है अपने ग्राहक को आप संतुष्टि नहीं दे रहे हैं, तो वो ग्राहक नहीं बन सकता, इसलिए प्रॉपर कम्युनिकेट करिए, अच्छे से बातचीत करिए, तो वो रिटेन यानी कस्टमर आपका बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर दिया है, कस्टमर जनरली यानी कि ग्राहक आमतौर पर व्हेन दे हैव ए पुअर एक्सपीरियंस, अगर वो पुअर एक्सपीरियंस यानी कि गंदा खराब अनुभव प्राप्त करते हैं तो क्या होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो करेगा स्विचिंग टू कंपटीटर, एक प्रतियोगी पर स्विच कर जाएगा। मान लीजिए कि दो दुकानदार है यहाँ पे, एक दुकान ये वाला है, ठीक है, मैं यहाँ पे दो दुकानें बना रहा हूं, अगर देखिए ये दो दुकानें हैं, दोनों क्या है, शॉप है, शॉप, ये भी एक शॉप है,
अब क्या होगा, कस्टमर जनरली स्विच कर जाएगा अगर वेन दे हैव ए पुअर एक्सपीरियंस, अगर आपका बातचीत करने का तरीका अच्छा नहीं है, आप प्रोडक्ट में दो नंबर का सामान दे रहे हैं, तो अगर आप अच्छा क्वालिटी देंगे तो आपके पास तो बने रहेंगे। अगर आप मान लीजिए तेल ही बेच रहे हैं या कोई भी चीज, तो वो स्किप कर जाएंगे दूसरे ग्राहक पे, ये याद रखिएगा। तो इसलिए आपको अच्छा अनुभव देना है कि कस्टमर रिमेन रहे, बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 20 नंबर दिया है, एन एम्प्लॉई कम्स लेट टू द ऑफिस एवरी डे। एक एम्प्लॉई जो है, यानी कि एम्प्लॉई का मतलब होता है कर्मचारी, कम्स टू लेट टू द ऑफिस, वो प्रत्येक दिन एवरी डे यानी कि प्रत्येक दिन ऑफिस लेट आता है। ही इज नॉट, वो क्या है, चुपचाप है, पंक्चुअल है या कन्फिडेंट। देखिए पंक्चुअल बोलते हैं जो समय का पाबंद होते हैं, समय से आते जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज नॉट एन एग्जाम्पल पूछ रहा है ना, ही इज नॉट क्या है, पंक्चुअल नहीं है, ठीक है, पंक्चुअल नहीं है। यहीं पे ये वाला बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे पंक्चुअल नहीं है, पंक्चुअल यानी कि वो क्या है, समय का पाबंद नहीं है, हमेशा ऑफिस लेट होता है। तो यहाँ पे कौन सा वाला सही हो जाएगा, बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिया है व्हेन वी स्पीक टू पीपल इन आवर वर्क प्लेस, हम जब लोगों से बात करते हैं अपने कार्य स्थल पे, आर पीपल इन अथॉरिटी यानी कि जो अथॉरिटी है, प्राधिकरण है, वहां पे हम बात करते हैं, वी नीड टू, हमें आवश्यकता है, हमें किसकी आवश्यकता होगी वहां पे, तो हमें आवश्यकता होगी वहां पे स्पीक हार्शली एंड अनमाइंडफुल जेंडर लिंग के प्रति कठोर और बेपरवाह बोले, नहीं ऐसा नहीं है। जब हम अपने वर्क प्लेस पे, जहाँ पे इंडस्ट्री है या जहाँ पे वर्क करने वाला स्थान है, हम लोगों से बातचीत करेंगे ना, तो क्या करेंगे, स्पीक केयरफुली, हम केयरफुली बात करेंगे, एंड शो रिस्पेक्ट इन आवर चॉइस ऑफ वर्ड, हम अपने जो शब्द बोलेंगे ना उसमें रिस्पेक्ट झलकना चाहिए ना, शो होना चाहिए कि हम रिस्पेक्टफुली ध्यानपूर्वक बातें कर रहे हैं अपने किसी भी साथी से जहाँ पे वर्क कर रहे हैं, ये नहीं कि गंदे वर्ड बोले उनसे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 22 नंबर दिया हुआ है, द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ फार्मर रिटेन कम्युनिकेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के रूप में फार्मर रिटेन कम्युनिकेशन होता है, जो औपचारिक रूप से लिखित बातचीत होती है, डेट कैन बी सेंड थ्रू द इंटरनेट, जो इंटरनेट के द्वारा सेंड किया जाता है, भेजा जाता है, टू मैनी पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे संसार में कई लोगों को भेजा जाता है, इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग ईमेल कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के रूप में भेजा जाता है, उसे को हम क्या बोलेंगे, ईमेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन इज, ठीक है, औपचारिक जो रूप से बातचीत करना, इफेक्टिव रूप से जो सबसे प्रभावी तरीका होता है वो क्या है, चैटिंग, ट्वीटिंग, टाइपिंग या ईमेल। तो यहाँ ईमेल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ईमेल के द्वारा हम फॉर्मल कम्युनिकेशन इफेक्टिव वे में कर सकते हैं, सबसे प्रभावशाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 24 नंबर देखिए, सीसी इन ईमेल मींस सीसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ये ईमेल में सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी, ठीक है, तो सीसी का आपका पूछ लेता है और ब्लाइंड कार्बन कॉपी के बारे में पूछ लेता है, बीसीसी के बारे में पूछ लेता है, तो उसको भी आपको याद रखना है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा इससे रिलेटेड। तो सीसी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन कॉपी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसी इन ईमेल मींस, देखिए यहाँ पे ईमेल में बीसीसी का मतलब पूछ लिया, यानी कि बीसीसी का फुल फॉर्म, तो अभी हमने आप लोगों को बताया था ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो देखिए क्लास 7 कंप्लीट हमने कर लिया, क्लास 8 आज ही आप लोगों को सामने मिल जाएगा, हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे क्योंकि सीबीटी एग्जाम बहुत चल रहा है आप लोगों का, तो एग्जाम से पहले पहले आप लोग जिनके भी एग्जाम बाकी वो पूरा पढ़कर जाएं। आप लोगों को टोटल 16 से 17 क्लासें मिलेंगी, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और टेस्ट के लिए सक्सेस कैरियर एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, टेस्ट बिल्कुल फ्री है, वहां जाकर अपनी टेस्ट दीजिए कि इम्प्लाइबिलिटी में जो आपका क्वेश्चन आएगा 25 में से कितना आ रहा है, 25 × 2 यानी कि 50 मार्क आपका है, तो वहां पे आप लोगों को बिल्कुल पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम की तैयारी कैसा है। आज के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।